सड़क हादसों में पल पल खत्म हो रही है जिंदगी, घर में पसरा है मौत का मातम। हर किसी की आंखें नम है, मासूम बच्चे हैं जिनके सिर से अब पिता का साया उठ चुका है। क्या करेंगे ये मासूम बच्चे, कौन इन्हें कमा कर खिलाएगा, कौन इनको पढ़ाएगा लिखाएगा। एक किसी की मौत तमाम सवाल सामने छोड़ जाती है। आज इस श्रावस्ती के कोना से एक और मौत होने की सूचना आई, जिससे हृदय काफी आहत हुआ है। जनपद में हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है, मौत का ये सिलसिला लगातार जारी है। 6 दिन तक एक युवक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा, पर जिंदगी हार गई और मौत जीत गई। इकोना इलाके के लालपुर खदरा गांव निवासी दो लोग ओम प्रकाश पुत्र ज्ञानी तथा रामचरण एक बाइक पर सवार होकर पिछले 3 फरवरी को ससुराल जा रहे थे। जैसे ही ये लोग पड़ोसी जनपद बहराइच के विशेषरगंज थाना अंतर्गत धनुही गांव के बालापुर के पास पहुंचे, वहां सामने से आ रहे एक बाइक सवार वाले ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए थे, जिनको एम्बुलेंस की सहायता से इकोना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ओम प्रकाश की हालत काफी नाजुक थी, इनको इकोना से बहराइच फिर बहराइच से लखनऊ रिफर किया गया था। लखनऊ में इलाज के दौरान आज 6 दिन बाद उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर गांव में मातम पसर गया, चारों तरफ सन्नाटा फैल गया और जब ओम प्रकाश की लाश गांव पहुंची तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ऐसे हादसों से दिल दहल जाता है। बस इतना कहना है दोस्तों, जब भी बाइक लेकर घर से निकलो हेलमेट पहने रहो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अगर हेलमेट सिर पर है तो बहुत कुछ गारंटी है। निश्चित तौर पर ओम प्रकाश के सिर पर गहरी चोट आई होगी, इसीलिए वो सरवाइव नहीं कर सका। और आज जब उसकी लाश इकोना के लालपुर खदरा गांव में पहुंची है तो पूरा का पूरा गांव यहां पर अंतिम दर्शनों के लिए इकट्ठा हुआ है। बहुत ही भयंकर, बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा। दोनों लोग बाइक पर सवार होकर तकरीबन 5 और 6 दिन पहले इकोना के लालपुर खदरा गांव से पड़ोसी जनपद बहराइच के विशेषरगंज थाना अंतर्गत एक गांव में इनका ससुराल पड़ता है वहां पर जा रहे थे। मोटरसाइकिल पर दोनों सवार थे। बालापुर के पास में विपरीत दिशा से आ रहे कोई बाइक सवार वाले ने इनको टक्कर मारी और वो बाइक सवार वाला भाग गया। अभी तक पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई है। इधर ओम प्रकाश को, रामचरण को, दोनों को इकोना के सीएससी में एम्बुलेंस की सहायता से भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके सिर पर बहुत ही गहरी चोट आई है। तत्काल उसके बाद बहराइच रिफर किया गया, बहराइच में भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसके बाद परिवार के लोग इनको लखनऊ लेकर भागे। लखनऊ में इनका इलाज चल रहा था, लेकिन चूंकि सिर पर गंभीर चोट आई थी इसीलिए सरवाइव नहीं कर पाए और 6 दिन में जिंदगी मौत से जंग हार गई और आखिरकार मौत हो गई। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल लगभग अपने हर खबर में आप लोगों को बताता है, आप लोगों को सतर्क और सावधान करता है कि दोस्तों सड़क पर जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप यातायात नियमों का पालन कीजिए। यातायात के जो नियम बनाए गए हैं वो आप लोगों की ही सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। हेलमेट जरूर लगाइए। अगर आपके सिर पर हेलमेट रहेगा, सिर का हिस्सा बहुत सेंसिटिव माना जाता है, अगर सिर बचा रहेगा तो बाकी आपका इलाज हो जाएगा। रात किस गाँव में रहते हैं? लालपुर खदरा। यहाँ आपके घर पे भीड़ लगी है, क्या मामला है? भाई का एक्सीडेंट हो गया था इसीलिए। कब? 3 तारीख। कहाँ हुआ था? बालापुर। कहाँ जा रहा था भाई? जा रहा था सामान देने किसी का। सिर्फ डालना चमारन। अकेले थे कि दो तीन लोग? नहीं, दो लोग थे। और एक कौन था? अरे ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। और आपके भाई का नाम? हमारे भाई का नाम ओम प्रकाश। ये दोनों जा रहे थे, फिर क्या हुआ? दोनों जा रहे थे, रास्ते में वहीं एक्सीडेंट हो गया। कैसे? बाइक से, सामने मार के फरार हो गए। फिर क्या हुआ? फिर वो निकल गए ये दोनों। फिर एम्बुलेंस लाया ही कोना में, इन्हें कोना से रिफर कर दिया बहराइच के लिए। बहराइच से लखनऊ चले गए, फिर वहाँ दवा चला 4-5 दिन, फिर एक्सपायर हो गए। घर के कितने बच्चे हैं आपके भाई के? हमारे भाई के 3 बच्चे हैं, एक लड़की 2 लड़के। सब छोटे छोटे? हाँ सब छोटे, 2-3 साल 4 साल के ऐसे ही हैं। तो पारिवारिक स्थिति कैसी है? पैसा वैसा है कि गरीब परिवार? गरीब परिवार है, ऐसा कहाँ खेती पाती कुछ नहीं है, मजदूरी करते खाते हैं।